तो हेलो भाई लोग, आज हम बात करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के रिव्यू के बारे में। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये वाला रिव्यू थोड़ा सा स्पॉइलर वाला होने वाला है, तो अगर अब तक तुम पापी लोगों ने ये मूवी नहीं देखी है तो निकलो यहाँ से, और अगर देख ली है तो चलो आनंद प्राप्त करना शुरू करते हैं। और मैं इस मूवी को देख कर यही कहना चाहूंगा जो कि मूवी में डेडपूल ने कहा कि चूस ले फॉक्स। तो देखो, डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी एकदम परफेक्ट मूवी नहीं है, इसमें अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट्स हैं और आज हम बात करेंगे उन्हीं के ऊपर। तो चलो मैं तुम्हें सबसे पहले मूवी के अच्छे एस्पेक्ट्स बता देता हूँ। तो अपनी डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी एकदम फैन सर्विस थी, या फिर कहूँ कि 1000% फैन सर्विस थी। इसमें हमें वो सब कुछ देखने को मिलता है जो कि हम एक्सपेक्ट कर गए थे। इस मूवी में हमें कैमियोस की भरमार देखने को मिलती है और पुराने फैंस को तो ऑर्गेज्म ही आ गया होगा। तो सबसे पहले कैमियोस की ही बात कर लेते हैं। इस मूवी में हमें सबसे पहले अपने कैप्टन अमेरिका यानी क्रिस इवांस का कैमियो देखने को मिलता है, जो कि कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च बनकर आए थे, और उनके जो बाल का खाल निकाला गया है भाई साहब मजा आ गया, मतलब कि कौन ही सोचेगा कि ऐसी मौत मिले उसे। इसके अलावा हमें इसमें वेस्ली स्नाइप्स का ब्लेड, अपनी पुरानी वाली इलेक्ट्रा, अपना गुटका चबाता हुआ गैम्बिट और अपनी लॉरा यानी X-23 देखने को मिलती है। इसके अलावा अपना पुराना वाला जगरनॉट भी इस मूवी में देखने को मिलता है। इसके अलावा मूवी में डेयरडेविल, पनिशर और क्विक सिल्वर के रेफरेंस भी दिए गए हैं। इसके अलावा मूवी की जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी वो थी डेडपूल और वुल्वरीन के वेरिएंट्स, और वुल्वरीन के वेरिएंट्स ने तो कमाल ही मचा दिया। तो वुल्वरीन के वेरिएंट्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है लोगन का कंकाल, और उसके बाद देखने को मिलता है हमारा छोटा सा 1.5 फुट का गोटिया पठान टाइप का वुल्वरीन, और ये वाली हाइट कॉमिक्स में वुल्वरीन की असली वाली हाइट है। इसके अलावा हमें काफी सारे वुल्वरीन के वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक एक्स के सिंबल पर इशू की तरह लटका हुआ वुल्वरीन, इसके अलावा एक फायर वाला वुल्वरीन और अपना पैच भी देखने को मिलता है। लेकिन एंड में हमें देखने को मिलता है वुल्वरीन का वो वाला वेरिएंट जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और पूरी मूवी की USP खा गया वो बंदा, और वो था हमारा हीरो सुपरमैन यानी कि हेनरी कैविल का वुल्वरीन। जी हाँ, अपना हेनरी कैविल इस मूवी में वुल्वरीन बनकर आने वाला है, मतलब कि भाई अपना हेनरी कैविल का लोगन हाथ में सिगार लिए हुए और सैंडो बनियान में अपनी बाइक को साफ करते हुए दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। लेकिन मुझे इसी बात का दुख है कि उसे सूट के अंदर नहीं दिखाया। इसके अलावा हमें एक और वुल्वरीन देखने को मिलता है जो कि अपने ओजी हल्क से लड़ रहा था, लेकिन वो बात अलग है कि मार्वल वालों ने हल्क को लेकर हमारा फिर से काट दिया। हल्क का सिर्फ पिछवाड़ा दिखाया जाता है, उसकी शक्ल नहीं। इसके अलावा मूवी में हमें हैप्पी होगन का कैमियो भी देखने को मिलता है। कैमियो के अलावा मूवी की जो सबसे बड़ी USP है वो है हमारे डेडपूल और वुल्वरीन की केमिस्ट्री, मतलब कि भाई ये पूरी मूवी उन दोनों की केमिस्ट्री के आसपास ही घूमती रहती है बस। इसके अलावा चलो मूवी की नेगेटिव चीजों पर भी बात कर लेते हैं। मूवी में जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज थी वो थी उसकी स्टोरी। पूरी मूवी मजे मजे में निकल जाती है और उसकी स्टोरी समझ में ही नहीं आती। मूवी एक टाइम पर सीरियस होती है लेकिन अपना डेडपूल उसे सीरियस नहीं होने देता। इसके अलावा स्टोरी पहले काफी अच्छी जा रही थी लेकिन एंडिंग आते आते स्टोरी की खिचड़ी बन गई और सारी की सारी चीजें आपस में मिक्स मैशअप हो गई। इसके अलावा इस मूवी की जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज है वो है इसका पोस्ट क्रेडिट। पहले तो इस मूवी में एक ही पोस्ट क्रेडिट है और वो भी किसी काम का नहीं है, मतलब कि भाई ये लोग पोस्ट क्रेडिट में कुछ भी कर सकते थे, अपने लोकी को दिखा सकते थे या फिर कैंग के किसी वेरिएंट को दिखा सकते थे या फिर किसी तरह से उसे MCU से कनेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा जो सपने हम देख रहे थे कि अपना डेडपूल और वुल्वरीन दोनों 616 यूनिवर्स में चले जाएंगे, तो ऐसा मूवी में कुछ भी नहीं होता। डेडपूल लास्ट में अपना यूनिवर्स बचा लेता है और वो दोनों खुशी खुशी उसी यूनिवर्स में रहने लग जाते हैं, और अब वो दोनों हमें सीधे सीक्रेट वॉर्स में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी B-15 ने कहा है कि अगर TVA को डेडपूल और वुल्वरीन की जरूरत पड़ेगी तो वो उसे दोबारा बुलाएंगे। इसके अलावा ये मूवी डेडपूल से ज्यादा वुल्वरीन पर फोकस करती है, यानी कि वुल्वरीन के कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस करती है, अपने वुल्वरीन के रिटर्न को एकदम जस्टिफाई बनाने की कोशिश करती है और उसे अब तक का सबसे बेस्ट वुल्वरीन भी बनाती है। तो कुल मिलाकर ये मूवी एक काफी
काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। ऐसा नहीं है कि ये मूवी काफी ज्यादा मिड है, ये मिड नहीं है, बस इसकी स्टोरी राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो मूवी एकदम फाड़ है। ये मूवी तुम्हें तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा ही दे देती है, और खासकर उन सीन्स में जब अपना डेडपूल फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है। भाई साहब, जो गालियां उसने दी हैं और जो पॉइंट्स उसने मारे हैं वो एक नंबर के हैं। एक तरह से अपना डेडपूल पूरे मार्वल के सामने हम लोगों को प्रेजेंट कर रहा है। तो खैर, अगर तुमने मूवी देख ली है तो मुझे बताओ कमेंट्स में कि कैसी लगी, और तुम्हें मूवी में सबसे ज्यादा पसंद कौन आया, डेडपूल या फिर वुल्वरीन। इसके अलावा एक छोटा सा स्पॉइलर ये भी है कि हमें पूरी मूवी के अंदर हमारी लेडी डेडपूल का चेहरा नहीं दिखाया जाता। अब मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, और जल्दी से लाइक कर दो भसड़खोरों।